जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव को टेस्ट में मौका मिला था। अब वही छीन लेगा सूर्या की जगह, खत्म हो जाएगा सूर्या का टेस्ट करियर। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हो गया। रोहित और राहुल ने इस खिलाड़ी की अचानक एंट्री करा दी है। भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में धमाकेदार जीत से 1-0 की बढ़त के साथ ही बेहतर तैयारी का मौका मिला। कंगारू टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में महज 2.5 दिनों में पारी और 132 रनों से मैच हार गई थी। 4 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने पहली पारी में सस्ते में आउट होकर इसे गंवा दिया। बड़ी मुश्किल से टेस्ट प्लेइंग 11 में शामिल होने के बाद अब उनको बाहर किया जाना तय माना जा रहा है। टीम इंडिया की तरफ से T20 के सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टेस्ट डेब्यू करने का मौका पाया था। दबाव में उतरे इस खिलाड़ी के बल्ले से रन नहीं निकले और अब वो दूसरे मैच में शायद बाहर बैठे नजर आए। हम इस रिपोर्ट में सूर्य कुमार यादव के बाहर होने की वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में 3 मैच जीतना जरूरी है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ हर मैच में बेहद मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगे। चोट की वजह से बाहर बैठा एक इनफॉर्म बल्लेबाज वापसी करता है तो प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय है। दिल्ली टेस्ट में सूर्य कुमार यादव का प्लेइंग 11 से बाहर जाना तय हो जाएगा, क्योंकि चोटिल श्रेयस अय्यर फिट होकर वापसी कर चुके हैं। दिल्ली के मैच से पहले BCCI ने श्रेयस अय्यर को टीम से जोड़ने की जानकारी साझा की है। नागपुर टेस्ट में सूर्या को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी क्योंकि श्रेयस अय्यर चोटिल होकर बाहर हो गए थे। अब जब वो फिट हैं और प्लेइंग 11 में आएंगे तो सूर्य कुमार को उनके लिए जगह बनानी होगी, BCCI ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपनी पीठ की चोट के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में अपना रिहैब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हें BCCI मेडिकल टीम द्वारा मंजूरी दे दी गई है। श्रेयस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से टीम में शामिल होंगे। श्रेयस अय्यर ने 1 महीने से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला और ये देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें सीधे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं, जहां उन्हें दिन में 90 ओवर्स फील्डिंग करनी पड़ सकती है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरे टेस्ट के लिए मंगलवार को दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली दिसंबर 2017 के बाद पहली बार कोई टेस्ट की मेजबानी कर रहा है। अब बात सूर्या की करें तो सूर्य कुमार यादव के टेस्ट खेलने का सपना पूरा हो चुका है, लेकिन आगाज वैसा नहीं हुआ जिसे वो पलट कर देखना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने पारी की जीत हासिल की थी, लिहाजा सूर्य कुमार यादव के लिए सिर्फ पहली पारी में बल्लेबाजी का मौका आया था। यहां उन्होंने निराश किया था और महज 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। T20 फॉर्मेट पे रनों का अंबार लगा चुके सूर्य कुमार यादव इसके अलावा दोनों ही फॉर्मेट में कामयाबी नहीं दोहरा पाए। वनडे में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो प्लेइंग 11 में मुश्किल से जगह बना पाते हैं। श्रेयस अय्यर को जब डेब्यू का मौका मिला था तो उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था और उसके बाद उनकी दावेदारी मजबूत हो गई थी। सूर्य कुमार यादव से भी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन वो नाकाम रहे। इस नाकामी के बाद सूर्य कुमार यादव के लिए पाकिस्तान से भी एक संदेश आया है। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में T20 जैसा अप्रोच अपनाकर सूर्य कुमार यादव सफल नहीं हो सकते। सलमान बट के मुताबिक अगर सूर्य कुमार यादव को सफल होना है तो फिर उन्हें टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ही बल्लेबाजी करनी होगी और T20 का अप्रोच छोड़ना होगा।